देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान आम मतदाताओं से भी पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूं तो सभी राजनीतिक दल और नेता एक लंबे अरसे से सैनिकों को लेकर अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते रहे हैं, मगर इस बार चुनाव आयोग ने सैनिकों के मतदान को सुनिश्चित बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों के लिए आगामी 2 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद राजधानी शिमला के कसुम्पटी स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय के माध्यम से सैनिकों को मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर सर्विस वोटरों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद प्रत्येक सैनिक को ओटीपी नंबर जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हर सैनिक को बंद लिफाफे में संबंधित संसदीय क्षेत्र में स्पीड पोस्ट द्वारा अपना मतदान पहुँचाना होता है। हिमाचल प्रदेश से सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना में 62,131 कुल सर्विस वोटर पंजीकृत हैं। इनमें 22 फरवरी तक के आंकड़ों के अनुसार 61,401 पुरुष सैनिक और 730 महिलाएं शामिल हैं। हमीरपुर में 21,888, कांगड़ा में 19,731, मंडी में 12,138 जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र में 7,644 पुरुष सर्विस वोटर हैं। इसके मुकाबले हमीरपुर में 219, कांगड़ा में 251, मंडी में 176 और शिमला संसदीय क्षेत्र में 84 महिला सर्विस वोटर इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका है कि सैनिक आम मतदाताओं से पहले मतदान करेंगे। चारों संसदीय क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सैनिकों को मतपत्र भेजने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। 23 मई को मतगणना के दिन सुबह 8 बजे सबसे पहले इन सैनिकों के सर्विस वोटों की गिनती शुरू होगी। 8 बजे तक जो सर्विस वोट मतगणना केंद्र में पहुंच जाएंगे उन्हीं की गिनती हो पाएगी, जबकि इसके बाद पहुँचने वाले मतों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, शिमला।